सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब और स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ एक मस्त बढ़िया सी हैवी ट्रैफिक एक्टिविटी। और आज की जो दोस्तों हमारी एक्टिविटी होने वाली है वो होने वाली है इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस ट्रेन, जो कि है दोस्तों तेजस एक्सप्रेस। और जैसे यहाँ पर आप इसमें स्क्रीन पर देख ही सकते हो, मस्त हमारी बढ़िया सी तेजस एक्सप्रेस यहाँ पर वेट कर रही है एक क्रॉसिंग का, और जो कि क्रॉसिंग यहाँ पर हो रही है। और ये जो दोस्तों एक्टिविटी है गाइस, उसमें आपको 10 से भी ज्यादा क्रॉसिंग्स देखने मिलने वाले हैं। और ये जो एक्टिविटी गाइस वो रन करेगी कोंकण रूट के वर्जन 4 पे, और बहुत ही बढ़िया तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो फिलहाल तो क्रॉसिंग कंप्लीट हो रही है। और ये एक्टिविटी की लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों एक्टिविटी डाउनलोड करने से पहले वीडियो को जरूर से एंड तक देखना, ताकि आप में से कोई भी कौन सा भी इंस्टॉलेशन प्रोसेस को मिस ना कर सके। और आज के दोस्तों इस वाले वीडियो में इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, तो इसके लिए दोस्तों वीडियो को जरूर एंड तक देखना, ताकि आप में से कोई भी कौन सा भी इंस्टॉलेशन प्रोसेस को मिस ना कर सके। और आज का दोस्तों हमारा जो एक्टिविटी का वीडियो है वो बहुत दिनों बाद आ रहा है, तो सोचा यार एक मस्त बढ़िया से लग्जरी ट्रेन के साथ दोस्तों शुरू करते हैं वापस से एक बार हमारी एक्टिविटीज की यात्रा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे हमारे लोकोमोटिव एंड कोचेस के इंस्टॉलेशन प्रोसेस से, और जो कि सेम होने वाला है, लेकिन फिर भी गाइस हर एक वीडियो में मैं उसको बताता हूं, तो ये वाले वीडियो में भी जरूर हम लोग दोस्तों उसको कवर करेंगे। तो जैसे दोस्तों आप लोकोमोटिव एंड कोचेस का फोल्डर डाउनलोड करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली आपको दोस्तों क्या करना है, ये जो ऑल लोकोमोटिव एंड कोचेस है उसके अंदर जाना है आपको। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑल लोकोमोटिव एंड कोचेस फॉर कोंकण रूट एक्टिविटी, ऐसा एक फोल्डर मिलेगा 910 MB का। तो सिंपल दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सिंपल उस पर क्लिक कर रहे हो, जैसे आप उसके अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको दोस्तों ऑलरेडी सारे हैश क्रिएटेड मिलेंगे। तो ये सारे हैश को आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल उसको कर लेना है आपको सिलेक्ट। और जैसे दोस्तों आप इसको सिलेक्ट करोगे, वहाँ पर आप थोड़ा सा टैप करोगे तो यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे दोस्तों आपको एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपको जाना है दोस्तों डिवाइस मेमरी, फिर एंड्रॉइड, फिर डेटा। फिर डेटा में जाने के बाद आपको सिंपली जाना है दोस्तों com.n3v games, फिर फाइल्स, फिर यूजर डेटा। और यूजर डेटा में जाने के बाद दोस्तों अगर यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो आपका जो ओरिजिनल फोल्डर है वो पहले से ही थोड़ा सा फुल हुआ होगा, ताकि मतलब आप में से किसी ने अगर कोई एडोन्स या फिर रूट इंस्टॉल किया होगा तो। और जो आपका लोकल फोल्डर है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो लोकल फोल्डर आपका थोड़ा एम्प्टी होगा, अगर आप में से किसी ने कोई भी लोकल फोल्डर में कोई भी रूट या फिर एक्टिविटी या फिर एडोन्स इंस्टॉल नहीं किए होंगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि गाइज आपके जितने भी एडोन्स है गाइज आप उसको लोकल फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मैं यहाँ पर आपको लाइव करके बता रहा हूँ। और मेरा भी जो ट्रेन का सेटअप है दोस्तों वो भी एकदम वैसा ही है, लोकल फोल्डर में मैं सारे जितने भी रोलिंग स्टॉक्स होते हैं, जितने भी लोकोमोटिव एंड कोचेस होते हैं दोस्तों, वो मैं सिंपल यहाँ पर लोकल फोल्डर में ही एक्सट्रैक्ट करता हूँ। और जो भी हमारे रूट ऑब्जेक्ट्स और एक्टिविटी होते हैं गाइज वो सारे ओरिजिनल फोल्डर में। तो आप भी चाहिए तो दोस्तों आप भी वैसा कर सकते हो, अगर आपका लोकल फोल्डर पहले से ही मतलब फुल हुआ होगा तो आपको क्या करना है, तो आपको जो भी हैश मैंने वो यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं दोस्तों पैक के अंदर ऑल लोकोमोटिव एंड कोचेस के, तो वो सारे हैश को दोस्तों आपको रीनेम करना पड़ेगा, और एकदम सीक्वेंस में दोस्तों वो सारे हैश को आपको पेस्ट या फिर एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपने वो हैश को ऐसे ही रिप्लेस कर दिया तो चांसेस है कि आपके जो लोकोमोटिव एंड कोचेस है दोस्तों वो एकदम क्रैश कर जाए और प्रॉपर तरीके से वर्क ना करे। इसके लिए दोस्तों आप इतना ध्यान रखना, अगर आपके इसमें लोकल फोल्डर में समझो #01 पहले से ही एग्जिस्ट है तो गाइस उसको रिप्लेस मत करना, उसको आप सिंपल इसको रीनेम करके एकदम बढ़िया से सीक्वेंस में ये सारे हैश को एक्सट्रैक्ट कर लेना। और यहाँ पर आप देख सकते हो फिलहाल हमारा 96-97% कंप्लीट हो चुका है, और पूरा हमारा जो आर्चिव है दोस्तों वो एकदम सक्सेसफुली डीकम्प्रेस्ड यहाँ पर हो चुका है। और लोकल फोल्डर में जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम बढ़िया तरीके से हमारे सारे हैश एकदम सीक्वेंस में लग चुके हैं दोस्तों, और देख सकते हो 01, 02, 03, 04, 05 एकदम बढ़िया तरीके से दोस्तों सारे हैश यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। और जैसे दोस्तों यहाँ पर आपके सारे हैश एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे लोकल फोल्डर में, तो सिंपल आपको क्या करना है, बैक आना है। बैक आने के बाद अगर आपको assets.tdx फाइल यहाँ पर विजिबल होगी तो assets.tdx फाइल को भी दोस्तों आपको कंपलसरी डिलीट करना है, नहीं तो आपके ने जितने भी रोलिंग स्टॉक्स यहाँ पर इंस्टॉल किए हैं वो कोई भी रोलिंग स्टॉक दिखाई नहीं देगा अगर आपने assets.tdx फाइल को डिलीट नहीं किया तो। assets.tdx फाइल को डिलीट करना गाइस बिल्कुल भी मत भूलना। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो जरूर मुझे इंस्टाग्राम पर DM करना, मैं आपको जरूर आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। और जैसे दोस्तों आप एक्टिविटी डाउनलोड करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों, और एक्टिविटी के साथ आपको गाइस दो
मतलब एक लोकोमोटिव और एक कोच यहाँ पर देखने मिलने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो IRCNB डस्टी WAP 7, IRLHB तेजस राजधानी और फिर तेजस एक्सप्रेस एक्टिविटी। तो ये तीन फोल्डर दोस्तों आपको तेजस एक्सप्रेस एक्टिविटी के अंदर यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। और जैसे आप तेजस एक्सप्रेस एक्टिविटी के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको सिंपली बहुत सारे यहाँ पर फोल्डर्स मिलेंगे। तो सिंपल यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ये जो तीन यहाँ पर विजिबल है दोस्तों IRCNB LHB तेजस और तेजस एक्सप्रेस एक्टिविटी, वो सारे तीनों को कर लेना है यहाँ पर आपको सिलेक्ट। और जैसे दोस्तों आप इसको सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपको इसको करना है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको जाना है दोस्तों डिवाइस मेमोरी, फिर एंड्रॉइड, फिर डेटा। फिर डेटा में जाने के बाद दोस्तों आपको सिंपली जाना है दोस्तों com.n3vgames। फिर com.n3vgames में जाने के बाद आपको जाना है फाइल्स, फिर यूजर डेटा। और फिर जैसे दोस्तों आप यूज़र डेटा में चले जाओगे उसके बाद आपको जाना है दोस्तों ओरिजिनल में, क्योंकि दोस्तों अभी हम लोग एक्टिविटी इंस्टॉल कर रहे हैं, इसके लिए दोस्तों अभी हम लोग लोकल फोल्डर में नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे दोस्तों ओरिजिनल में। और जैसे आप ओरिजिनल में जाओगे तो वहाँ पर आपको एक सेपरेट हैश क्रिएट करना है, और या फिर आपका कौन सा एकदम हैश एम्प्टी होगा तो वो वाले हैश पर आपको आज जाना है और वहाँ जाकर आपको सिंपली यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है। और जैसे आप एक्सट्रैक्ट करने जाओगे तो वहाँ पर आपको पासवर्ड पूछेगा। लेकिन दोस्तों पासवर्ड देखने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि ऐसे मस्त मस्त बेहतरीन से हैवी ट्रैफिक एक्टिविटी में हर संडे आप सभी के लिए लाते रहता हूं। तो उसके लिए दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। और यहां पर देख सकते हो आज के हमारे एक्टिविटी का पासवर्ड जो कि है दोस्तों स्मॉल लेटर में RG22119, कैपिटल लेटर में R और स्मॉल लेटर में G। तो ये है दोस्तों आज के हमारे ये तेजस एक्सप्रेस एक्टिविटी का पासवर्ड। और जैसे दोस्तों आप पासवर्ड डाल के डन कर दोगे तो आपका जो आरचू है दोस्तों वो एकदम सक्सेसफुली डीकम्प्रेस्ड यहाँ पर हो जाएगा। और जैसे दोस्तों आपका आरचू सक्सेसफुली डीकम्प्रेस्ड हो गया, उसके बाद दोस्तों ये मत समझना कि आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है, अभी जो मेन स्टेप है गाइस वो अभी बचा है। तो सिंपल आपको क्या करना है, जो IRCNB डस्टी और IRLHB तेजस ये दोनों को तो आपको बिल्कुल छेड़ना नहीं है, ये बरोबर एकदम प्रॉपर तरीके से एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं और इनका दोस्तों 100% इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो सिंपल आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहां पर आपको तेजस एक्सप्रेस एक्टिविटी दिखेगी, उसके अंदर जाना है दोस्तों। उसके अंदर जाने के बाद यहां पर आप देख सकते हो जितने भी यहां पर फाइल्स है दोस्तों वो सारे फाइल्स को आपको सिलेक्ट करना है और उसको दोस्तों कट करके बाहर पेस्ट करना है, जैसे कि हम लोग सारे एक्टिविटीज में करते हैं दोस्तों, सेम वैसे यहां पर आपको करना है। तेजस एक्सप्रेस एक्टिविटी के अंदर जाना है और जितने भी फाइल्स है दोस्तों वो सारे फाइल्स को सिलेक्ट करके बाहर कट कर देना है। और जैसे दोस्तों अब यहां पर बाहर कट कर दोगे तो आपका मतलब ऑलमोस्ट 95% पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे दोस्तों ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको बाहर आना है। बाहर आने के बाद दोस्तों अगर यहाँ पर assets.tdx फाइल विजिबल होगी तो assets.tdx फाइल को भी दोस्तों आपको कंपलसरी डिलीट करना है। तो जैसे आपका assets.tdx फाइल डिलीट हो जाएगा उसके बाद सिंपल आपका गेम है गाइस वो एकदम बढ़िया तरीके से आपके मोबाइल में चलना शुरू हो जाएगा दोस्तों, और मस्त आप बढ़िया तरीके से हमारी तेजस एक्सप्रेस की बढ़िया सी हैवी ट्रैफिक एक्टिविटी इंजॉय कर सकेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो मस्त बढ़िया सा हमारा डस्टी WAP 7 जो कि है कानपुर शेड का, और पीछे लगा है मस्त बढ़िया सा EOG, और उसके पीछे तेजस एक्सप्रेस के बढ़िया से कोचेस, और क्या ही मस्त यहाँ पर नज़ारा देख सकते हो आप रोहा स्टेशन पे। और रोहा स्टेशन पे दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपल एक क्रॉसिंग के लिए रोका जाएगा, और आपकी जो तेजस एक्सप्रेस है गाइस वो ऑलमोस्ट 10 मिनट्स डिले चल रही है। तो आपको ये एक टास्क है कि आपको रत्नागिरी में मतलब टाइम कवर करना है। रत्नागिरी में आपका अराइवल टाइम है दोस्तों सुबह का 10:55, 10:55 का दोस्तों आपका यहाँ पर रत्नागिरी पे अराइवल टाइम होने वाला है। और यहाँ पर अभी फिलहाल आप देखोगे तो 8:10 का समवेयर टाइम यहाँ पर आपको मिल जाएगा दोस्तों रोहा स्टेशन पे। तो आपको फुल ट्राई करना है कि आपकी जो तेजस एक्सप्रेस है गाइस वो रत्नागिरी पे एकदम ऑन टाइम पहुंचे, क्योंकि दोस्तों तेजस एक्सप्रेस एक लग्जरी ट्रेन है और रेलवे नहीं चाहेगी कि वो ट्रेन लेट हो। तो इसके लिए दोस्तों आपको एकदम बढ़िया तरीके से आपका पूरा जी जान लगाना है और ये ट्रेन को दोस्तों एकदम प्रॉपर टाइम टू टाइम रत्नागिरी स्टेशन पहुंचाना है दोस्तों आपको। और फिलहाल तो यहाँ पर क्रॉसिंग कंप्लीट हो चुकी है, ग्रीन सिग्नल हमें मिल चुका है, तो हम लोग आगे एक्सेलरेट कर लेंगे दोस्तों। लेकिन रत्नागिरी में दोस्तों आपको टाइम पे पहुंचना है, और टास्क आपका ये हार्ड इसके लिए होने वाला है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों रत्नागिरी टू रोहा के बीच में आपको ये तेजस एक्सप्रेस को कम से कम 10 बार रोका जाएगा क्रॉसिंग के लिए दोस्तों। तो वो एक मस्त बढ़िया टास्क होने वाला है आपका कि आप वो टाइम कैसे कहाँ कवर करते हो और कितने स्पीड में आप आपकी ट्रेन को ड्राइव करते हो। और ट्रेन को जगह ज़्यादा ओवर स्पीड मत करना क्योंकि एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और रिसेंटली अगर आपने देखा होगा तो कोरामंडल एक्सप्रेस का बहुत ही भयानक हादसा यहाँ पर दोस्तों रेलवे के में हुआ है दोस्तों, और रेलवे के इतिहास का दोस्तों बोलते हैं कि तीसरा सबसे बड़ा हादसा था,
तो सभी दोस्तों जितने भी लोग वहाँ पर मतलब गुजर गए उनके लिए गाइस भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तो बहुत ही भयानक और बहुत ही डेंजरस हादसा गाइस वो हो गया था उड़ीसा में। तो ऐसे ही होप करेंगे कि आगे दोस्तों ये ऐसा कुछ एक्सीडेंट बिल्कुल ना हो जिसमें यार इतने जाने चले जाए। तो बहुत ही भयानक हादसा था दोस्तों कोरामंडल एक्सप्रेस का। और फिलहाल दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो हमारी तेजस एक्सप्रेस अब आगे जा चुकी है और तेजस एक्सप्रेस ने दोस्तों यहाँ पर स्पीड पिकअप करना शुरू कर लिया है और टाइम को कवर करने की जो हमारा टास्क है दोस्तों वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। और ये सब दोस्तों एक्सपीरियंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में से ये वाली एक्टिविटी को डाउनलोड करनी पड़ेगी और फिर मस्त बढ़िया तरीके से दोस्तों आप इंजॉय कर सकोगे तेजस एक्सप्रेस की बढ़िया सी हैवी ट्रैफिक एक्टिविटी। और ये वाली एक्टिविटी में दोस्तों आपको पीछे विस्टाडोम भी दिखाई देगा जो कि रियल लाइफ में भी दोस्तों तेजस एक्सप्रेस में यूज़ किया जाता है दोस्तों। और रिसेंटली दोस्तों हमारे जो मुंबई गोवा लाइन है गाइस उसमें वंदे भारत एक्सप्रेस भी शुरू होने वाली थी लेकिन गाइस कोरोमंडल एक्सप्रेस के हादसे के कारण वो जो ये था इनॉग्रेशन था दोस्तों वंदे भारत का वो मेरे ख्याल से आगे थोड़ा ये किया है। आगे सर देखते हैं अभी कब तक शुरू होएगा वंदे भारत एक्सप्रेस का वो, लेकिन इनॉग्रेशन तो मेरे ख्याल से आगे ढकला है। देखते हैं अभी क्या सीन कभी तक होता है देखते हैं। और आगे पोस्टपोन तो किया है लेकिन देखते हैं, मेरे ख्याल से तो गाइस एक दो हफ्ते में शायद से हो जाए या फिर हो ये हफ्ते में या हमें देखने मिले, देखते हैं क्या क्या होता है। और जो टोटल टाइम होगा दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस का वो सिर्फ मुंबई टू गोवा में सिर्फ 7 आवर्स का होने वाला है। मतलब सोच सकते हो दोस्तों मस्त एकदम हाई स्पीड कनेक्टिविटी यहाँ पर मुंबई टू गोवा के बीच में हमें देखने मिलेगी। और फिलहाल दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर स्किप कर रहे हैं कोलाड स्टेशन को और बहुत ही बढ़िया तरीके से दोस्तों कोलाड स्टेशन स्किप करते हुए देख सकते हो यहाँ पर आप मस्त बढ़िया तरीके से। और यहाँ पर फिलहाल तो कोई ट्रेन अवेलेबल नहीं है तो गाइज मैं क्रॉसिंग इसके लिए थोड़ा मतलब स्टार्टिंग में कम रखा हूँ क्योंकि आगे हमारा मतलब थोड़ा बड़ा रूट है तो आगे भी आपको क्रॉसिंग एंजॉय करनी पड़ेगी। इसके लिए दोस्तों स्टार्टिंग में आपको मतलब इधर अपना रोहा से लेके वीर तक थोड़ा सा क्रॉसिंग कम मिलेगी, मतलब 2-3 क्रॉसिंग्स आपको यहाँ पर देखने मिलेगी लेकिन आगे आपको मज़ा आने वाला है दोस्तों। जैसे आप वीर कंप्लीट हो जाएगा वीर के आगे तो गाइज फुल ऑन मज़ा है आपके, मतलब मज़ा आएगा आपको बिल्कुल ऐसा कंटला नहीं आएगा दोस्तों एक्टिविटी खेलने में। और यहाँ पर देख सकते हो कोलार स्टेशन एकदम सक्सेसफुली स्किप होते हुए अभी और कोलार स्टेशन के आउटर पर है अभी हम लोग। और लोकोमोटिव तो गाइस क्या ही बढ़िया लग रहा है, देख सकते हो आप एकदम डस्टी शेड का है और मस्त बढ़िया तरीके से यहाँ पर एकदम आगे बढ़ते हुए और यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही स्पीड में आ चुके हैं दोस्तों अभी हम लोग क्योंकि गाइस लाइन एकदम क्लियर है हमको यहाँ पर देख सकते हो 6-7 किलोमीटर तक तो अभी हमको पूरा 80 km/h का ही कॉरिडोर दिया है। और यहाँ पर देख सकते हो बढ़िया तरीके से एक और ट्रेन WAP-7 के साथ और कोंकण रेलवेज में तो गाइज अभी मेरे ख्याल से 95% ट्रेन तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक हो चुके हैं तो जो गोल्डन डीजल एरा था गाइज वो अभी बहुत मिस होता है कोंकण रेलवेज में और एकदम रेयरली दोस्तों कोंकण रेलवेज में अभी आपको डीजल लोको दिखता है। तो टाइम के साथ तो बदलना पड़ेगा दोस्तों और हमारी कोंकण रेलवे भी टाइम के साथ बहुत तगड़ी बदल रही है। अभी वंदे भारत एक्सप्रेस भी धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे तो देखते हैं दोस्तों इन फ्यूचर अभी हमको क्या और बढ़िया बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने मिलते हैं। सो गाइस आई होप कि आपको आज का ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, आज के वाली हमारी एक्टिविटी अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको एक्टिविटी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा तो गाइस वीडियो को भी जरूर लाइक कर देना और आपके दोस्तों में भी जरूर दोस्तों ये वीडियो शेयर करना। तो बस मिलते हैं ऐसे एक और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।